हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल राजस्थानी खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स की कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में एक बेल आइकन दिया है, उस पर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अक्सर फ्रेंड्स ये शिकायत रहती है कि हमारा कस्टर्ड वो पतला हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे परफेक्ट कस्टर्ड बनाते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है। इसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। गैस को ऑन करेंगे। दूध को बॉईल करने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे। एक बाउल में थोड़ा ठंडा दूध लेंगे, गुनगुना दूध भी ले सकते हैं क्योंकि गर्म दूध के अंदर कस्टर्ड होता है उसमें लम्स गिर जाते हैं। कस्टर्ड में ऐड करेंगे और धीरे धीरे करके इसको इसके अंदर मिला लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, सही कंसिस्टेंसी में है। ये हमारा दूध उबल के रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर मिला देते हैं। उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को ऐड करते रहेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच शुगर ली है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं शुगर कम या ज्यादा। फ्रेंड्स हमारे कस्टर्ड ये रेडी हो गया है। ना तो ये ज्यादा पतला है ना ही ज्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है ये। अब इसको एक बाउल में निकाल देते हैं। इसका रूम टेम्परेचर में आने तक का वेट करते हैं। फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं उनको या नहीं ले सकते, अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलमंड्स, काजू, पोमेग्रेनेट, बनाना, पपाया। जो पानी वाले फ्रूट है वो आप नहीं लेंगे, बाकी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। हमारे कस्टर्ड है रूम टेम्परेचर में आ गया है। इसके अंदर आप कुछ फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, कुछ बचा के रखते हैं गार्निश के लिए। लीजिए फ्रेंड्स हमारे कस्टर्ड है ये रेडी है। मैंने इसमें फ्रूट डाल दिए हैं। इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए, फ्रीजर में इसको ना रखें। लीजिए फ्रेंड्स हमारे कस्टर्ड है बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैं इसको ज्यादा नहीं जमाऊंगी क्योंकि मेरे को ऐसा ही पसंद है। यहाँ पे इनको 2 छोटे छोटे बाउल में निकाल लिया है। अब इसे गार्निश के लिए इसके ऊपर लीजिए फ्रेंड्स हमारा कस्टर्ड रेडी है। ये अपने आए हुए घर पे मेहमानों को सर्व कर सकते हैं आप। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।